नमस्कार, मैं हूं मयूर। इस वीडियो में मैं आपको सिखाऊंगा राग यमन की तार। म्यूजिक से जुड़ा अगर आपका कोई सवाल या सुझाव है तो मुझे नीचे कमेंट करके ज़रूर बताएं। मैं अपने आने वाले वीडियोस के माध्यम से आपकी जल्दी से जल्दी हेल्प करने की कोशिश करूंगा। और इसी तरह के मेरे वीडियोस देखने के लिए मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और साथ ही बेल आइकन को दबाएं, जिससे कि मेरे हर नए वीडियो का नोटिफिकेशन आपको जल्दी से जल्दी मिल सके। हिंदुस्तानी क्लासिकल वोकल के इस सीरीज़ में लास्ट वीडियो मैंने किया था राग यमन की बंदिश के बारे में, जिसमें मैंने आपको बंदिश सिखाई थी। अब उसी बंदिश के लिए मैं आपको सिखाऊंगा तान। बंदिश के साथ ये तान गाने के लिए आपको बंदिश को भी समझना होगा, तो इस सीरीज के पिछले वीडियो को आप ऊपर लेफ्ट साइड में मेरे आई बटन पर क्लिक करके वहाँ से देख सकते हैं। राग यमन बंदिश तीन ताल, मैं वारी वारी जाऊं, ये बंदिश मैंने सिखाई है आपको, उसके साथ ये तान हम गाएंगे। हमारी बंदिश जो है 12वीं मात्रा से शुरू होती है और तान जो हम गाएंगे 5वीं मात्रा से शुरू करके 11वीं मात्रा पर ख़त्म करेंगे, यानी 7 काउंट की तान होगी हमारी, 7 मात्रा की, और फिर 12वीं से हमारी बंदिश शुरू हो जाएगी। तो 5वीं मात्रा से हमारी तान शुरू होगी, 11वीं मात्रा पर ख़त्म होगी और फिर 12वीं मात्रा से हमारी बंदिश शुरू हो जाएगी। तो मैं एक बार आपको गा के सुनाता हूँ बंदिश, और फिर उसके बाद तान फिट करेंगे। ये तान आप लिख सकते हैं और फिर साथ में गाने की प्रैक्टिस भी कर सकते हैं। ये तान पूरा प्ले किया है मैंने शिशाब स्केल का, पहले काले का, जो कि कॉमन स्केल माना जाता है मेल्स के लिए, मेल स्केल माना जाता है पहला काला। आप इसे अपनी सहूलियत से भी चुन सकते हैं, ऊँचा या नीचा कर सकते हैं। आगे बढ़ते हैं, सबसे पहले ओम बोलेंगे। सा मैं वारी वारी जाऊंगी प्रीतम बर, मैं वारी वारी जाऊंगी प्रीतम बर। तो पूरी बंदिश में नहीं गा रहा हूँ, आपको इतने में ही समझाऊंगा। मैं वारी वारी जाऊंगी प्रीतम बर, ठीक है, ये एक साइकिल पूरा हो गया 11वीं मात्रा पर, 12वीं से फिर शुरू हो गया। अब इसे तान कैसे फिट करेंगे 5वीं मात्रा से। मैं वारी वारी जाऊंगी निरे ग म ग नि दा नि दा ब म ग रे सा मैं। तो एक तान हमने गाई 5वीं मात्रा से 11वीं मात्रा तक, और सिंपल 7 मात्रा की तान है निरे ग म ग नि दा नि दा ब म ग रे सा मैं, ठीक है। अब इसे आप अच्छे से समझ लें। इसी तरह सारी तान हम जो गाएंगे वो 5वीं मात्रा से शुरू होकर 11वीं पर ख़त्म हो जाएंगे, ठीक है। मैं स्लो करके आपको एक्सप्लेन करता हूँ, समझाता हूँ, जिससे कि आप इजीली उसको काउंट भी समझ सकें और आसानी से उसको गा सकें। नि रे ग म द नि सा नि द ब म ग रे सा, पहली तान। दूसरी तान ध नि रे ग म द नि द ब म ग रे सा, दूसरी तान ये हुई। तीसरी तान ग म द नि सा नि द ब म ग रे सा नि सा, रिपीट ग म द नि सा नि द ब म ग रे सा नि सा, म द नि रे सा नि द ब म ग रे सा नि सा। चार हो गई। पांचवी ग रे म ग ब म ध ब म ग रे सा नि सा, ग रे म ग प म ध ब म ग रे सा नि सा। नाउ छठवीं तान प म ग रे ग म प ध ब म ग रे सा, प म ग रे ग म प ध ब म ग रे सा। सिंपल तान है ये, इतनी मुश्किल नहीं है। आप पहले नोट डाउन कर लें और साथ साथ गा सकते हैं। अब मैं गा के आपको बताऊंगा एक बार। मैं वारी वारी जाऊंगी निरे ग म ध नि सा नि द ब म ग रे सा, मैं वारी वारी जाऊंगी ध नि रे ग म ध नि द ब म ग रे सा, मैं वारी वारी जाऊंगी
गमदनी सानी दबा मगरी सानी समय वारी वारी जाऊं मदनी रे सानी दबा मगरी सानी समय वारी वारी जाऊं गरे मग बम रब मगरी सानी समय वारी वारी जाऊं पम गरे गम पर बम गरे समय वारी वारी जाऊं। तो इस तरह से आप इन्हें पहले याद कर लें स्लो में, स्लो स्पीड में, यानी आ नीरे गमदनी सानी दब मगरे सा नीरे गमदनी सानी दब मगरे सा नीरे गमदनी सानी दब मगरे सा। इस तरह से अपना जितना कंफर्टेबल स्पीड में आप कर पा रहे हैं वहीं से शुरुआत करें, एकदम से फास्ट नहीं करना है। आ नीरे गमदनी सानी दब मगरे सा, और जब अच्छे से बैठ जाए फिर आपसे टेम्पो के साथ भी करें। इस तरह से आप इसको जितना लास्ट पॉइंट तक स्पीड ले जा सकते हैं वहाँ तक ले जाएं, फिर स्लो कर लें। ऐसे आप इसको फ्लुएंटली जो है अच्छे से तैयार कर सकते हैं। तो मुझे उम्मीद है इस वीडियो से ज़रूर आपको हेल्प होगी। कैसा लगा ये मेरा वीडियो आपको, अपना फीडबैक ज़रूर शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। अभी के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।